लेकिन कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स अच्छे खासे फेयर कलर के होते हैं, लेकिन बेबी एकदम से डल दिखने लगता है, बेबी का जो कलर कॉम्प्लेक्शन है वो डार्क होने लगता है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपका बच्चा भी बहुत अच्छा होगा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का टॉपिक रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप सबके काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम मेरा बच्चा पहले से डल हो गया है, बच्चे की स्किन काफ़ी डल दिखने लगी है। क्योंकि जब बच्चे बॉर्न होते हैं तो रेडिश टाइप के होते हैं, हल्के से पिंक टाइप के होते हैं, गुलाबी से होते हैं, मतलब काफ़ी फेयर लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा टाइम होता है तो बच्चे थोड़े से डल स्किन के दिखने लगते हैं। तो इनके पीछे क्या रीज़न होता है, ऐसा क्यों होता है, और हम बच्चे को वापस सही कॉम्प्लेक्शन में लाने के लिए क्या उपाय करें, मतलब सही कलर में बच्चा अपने आ जाए उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं, तो यही आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, आप वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियो डेली देखने के लिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, पहली चीज़ तो बेबी का जो कलर होता है वो जेनेटिक होता है, जैसे उसके पेरेंट्स हैं वैसा ही बेबी होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स अच्छे खासे फेयर कलर के होते हैं, लेकिन बेबी एकदम से डल दिखने लगता है, बेबी का जो कलर कॉम्प्लेक्शन है वो डार्क होने लगता है। तो इसमें वैसे टेंशन लेने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि जब बच्चे बॉर्न होते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि उनको पहले सुबह सुबह की धूप दिखाओ। तो कई बच्चे तो धूप की वजह से ही डल हो जाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह की बच्चों को धूप दिखाओ तो उनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, जिस वजह से बच्चे थोड़े से डल दिखने लगते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे मालिश होती है बच्चों के, तरह तरह तरीके की तेल भी यूज़ किए जाते हैं, इस वजह से भी बच्चे का जो कॉम्प्लेक्शन होता है वो डार्क दिखने लगता है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके बच्चा अभी कैसा भी हो 6 to 8 months के बीच बच्चा अपने रियल कॉम्प्लेक्शन में आ जाएगा, जैसे आप लोग हो वैसा ही बच्चा अपना कलर ले लेगा। तो अभी ओनली आपको वेट करना है 6 to 8 months तक का। आप सोचो कि इस टाइम कोई क्रीम लगा के, पाउडर लगा के, ऑयल लगा के बच्चे का कलर फेयर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। बाकी आप अच्छे स्किन केयर प्रोडक्ट अपने बच्चे के लिए ज़रूर यूज़ करें, जिससे कि बच्चे को किसी भी तरीके की स्किन एलर्जीज वगैरह ना हो, बच्चे को लाल दाने वगैरह ना हो। उसके लिए चैनल पर मैंने वीडियो शेयर किए हुए हैं, आप जाके देख सकते हो। तो आज का वीडियो केवल यही था कि अगर बच्चे की स्किन आपकी डल हो गई है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा अपने आप ही अपने रियल कॉम्प्लेक्शन में आ जाएगा। आई होप ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। तो मिलती हूँ आप सबसे अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।